अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद चौधरी। बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने आज जो है इंडिया को तारीखी फतह शिकस्त से दोचार किया है। हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से। मैच के जो बहुत ही खूबसूरत मोमेंट थे वो था जब मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तानी की टीम के विकेट कीपर ओपनर बैट्समैन, वो जब पानी ड्रिंक्स का वक्फा आया तो उस दौरान जो है वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उनकी नमाज़ पढ़ने की जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं कि बाबर आजम जितनी देर जो ड्रिंक्स की ब्रेक थी 3 मिनट, उस दौरान सारी टीम जो है वो पानी पी रही थी या खेल रही थी, इधर उधर कूद रहे थे एक दूसरे के साथ, तो लेकिन बाबर मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज़ पढ़ते रहे। नमाज़ पढ़ के बाद उन्होंने दुआ की। जैसे आप देखते हैं वो बैटिंग के लिए आते हैं, बैटिंग में भी मुख्तलिफ तस्बीहात कर रहे होते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते हैं या कुछ दुरूद शरीफ पढ़ते रहते हैं, तो आज नज़र आया उनकी बैटिंग में ये असर भी। उन्होंने आज 78 रन किए और पाकिस्तान की जीत में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तानी टीम के जो जीतने के मोमेंट थे पूरे पाकिस्तान में पुरजोश तरीके से मनाए गए। लोग जो हैं सड़कों पर निकल आए, हल्ला गुल्ला किया, पाकिस्तान हक हक में नारे लगाए, क्योंकि ये बहुत सालों बाद हुआ है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को शिकस्त से दोचार किया है। अभी तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड कप के जो मैचेस हैं वो 7 हुए हैं, जिसमें से 6 इंडिया ने जीते थे, 1 पाकिस्तान ने जीता था। आज पाकिस्तान ने जो इंडिया को बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया है, उसके बाद जो है पाकिस्तान की टीम नज़र आ रही है कि वर्ल्ड कप में स्ट्रॉन्गेस्ट टीम पाकिस्तान की टीम होगी। अब लोग जो हैं जो बाबर आजम की वीडियो है ये बहुत ज़्यादा वायरल, मोहम्मद रिजवान की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। लोग जो है से लाखों की तादाद में लोग शेयर कर रहे हैं, इसके करोड़ों की तादाद में व्यूज़ हो चुके हैं। ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो चुके हैं, क्योंकि जिस दौरान जो है कि कैमरे की आंख ने इस लम्हात को महफूज किया, उस दौरान जो है वक्फा था, कोई ज़्यादातर नाज़रीन ने टीवी पे लाइव नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही सोशल मीडिया पे ये वीडियो आई तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वायरल हो चुकी है। बड़ी तादाद में लोग जो है इसे शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी आपको कोशिश कर रहे हैं ये वीडियो कम्प्लीट दिखाएं, जिसमें बाब मोहम्मद रिजवान जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए ग्राउंड के सेंटर में दिखाए जा रहे हैं और बाकी जो उनकी टीम है उसके साथ बैठी पानी पी रही है। जो ड्रोन कैमरा है वो भी आपको नज़र आएगा, जिसे स्पाइडर कैम कहते हैं, वो भी बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा स्टेडियम के अंदर। उसके साथ साथ वो भी लम्हा दिखा रहे हैं जब पूरे पाकिस्तान में जो है पाकिस्तान के हक में नारे लगाए जा रहे हैं और इंडिया को जो बुरी तरह शिकस्त से दोचार किया है। ये तारीखी शिकस्त थी कि 151 रन का जो हदफ था पाकिस्तानी ने बगैर किसी विकेट के आसानी से हदफ अबूर किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी फतह है और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का जो आगाज़ है वो बहुत अच्छा कर लिया है। अब लोगों की उम्मीद यही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप T20 जो है जीतेगी, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग साइड जो है इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट साइड काउंट की जा रही है। शुएब अख्तर ने भी यही कहा था, इंजमाम हक ने भी यही कहा था, मोहम्मद यूसुफ ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन जो है अगर क्लिक कर गई तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी दुनिया में की टीमों में इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत